Assalamu alaikum. Gilgit, Baltistan is very beautiful. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इरफान इधर और एक बार फिर आप सब की खिदमत हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत होंगे और मेरी भी दुआ कि आप सब खैर रहो, आबाद रहो। इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्कर्दू खरपोचो पहाड़ी के पास ही, सामने खरपोचो रहा और अभी इस टाइम हम खरपोचो ही जा रहे हैं। साथ में मेरे दो कज़न हैं, वो थोड़ा सा आगे निकल गए, अभी मैं उनके पास से जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 2-3 दिन हो गए स्कर्दू में भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सिंगल कमीज़ में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पहले की तरह मौसम अब ठंडा नहीं रहा, अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज मेरे साथ ये दो बंदे पीछे मुड़ के भी देख लो भाई, शाहिद भाई मेरी खाला का बेटा, साथ साजिद भाई। स्कर्दू सिटी से खरपोचो जाने का ये वाहिद रास्ता है, यहाँ पे कोई बाइक या गाड़ी या कुछ किसी और चीज़ पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते, पैदल ही आपको जाना पड़ेगा और वहाँ जाने का रास्ता यही है। ये शिगर ब्रिज जो नया बना है और सरफंगा इससे आगे जो हो रहा है वहाँ पर, और जो अगस्त की महीने में रेसिंग वगैरह होती है वो इस जगह पे होती है। खरपोचो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और रास्ता भी मुझे खास नहीं पता, अब इस व्यूज को देख लो और यहाँ से नीचे के व्यू देख लो, यहाँ से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, आगे जाता हूँ वहाँ से आपको दिखाता हूँ। आप ही लकड़ी का बोले और आगे जगह नहीं है, मतलब और रास्ता नहीं है यहाँ पर, अगर बंदा यहाँ से गिर गया सीधे नीचे दरिया पर आगे पीछे। है ना, क्यों नहीं है, चलो अभी बड़ी जगह। आप अंकल कोई ताला लगा हुआ है यहाँ पर, आखिरकार खरपोचो तो पहुँच गए। चलो
ये मेन गेट है। तुम क्यों डरे हो यार? ठीक है चलो भाई दस्तक दो, शायद राजा बाहर आ जाए। तो हम ये खरपो चौक पहुंच गए हैं और ये देखें यहाँ का गेट भी नहीं खुल रहा है, गेट खोल ही रहे इस वक्त। ये देखें ये हमारे वहाँ का नज़ारा है खरपोचो के ऊपर का, और वो खरपोचो लिखा, ये दिखा हुआ खरपोचो। खरपोचो के अंदर हम दो ही बंदे एंटर हो सके, इन्होंने कहा ज़्यादा बंदे छोड़ नहीं सकते, तो दो ही बंदों को इसने एंटर किया। एक बंदा हमारा बाहर, एक बाहर ही है, उसने पहले देखा हुआ था, उसने कहा मैं नहीं जाता हूँ तुम दोनों चले जाओ। देखा बाकी यहाँ से यहाँ से नीचे के जो नज़ारा है। जो मतलब किसी चीज़ पे लिखा होता है लकड़ी, लकड़ी ख़त्म हो गई, या फातिमा ज़हरा या हसन या हुसैन या अल्लाह, ये चीज़ें अभी भी यहाँ पे साफ वाजे नज़र आ रही हैं। और ये उस दौर की मस्जिद है, ये सामने देख दे। वैसे जब मैं खरपोचो से वापस आ रहा था, तो ये दो भाई हैं, ये जर्मनी से है, इनका ताल्लुक, तो आप इनसे प्रोसेस कर दो तारीफ़ी जाना चाहते थोड़ा बहुत। सलाम अलैकुम, गिलगित बाल्टिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल।